करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने यहां कम दाम में सोना दिलाने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ में दर्जन भर लोगों को शिकार बनाया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 70 तोला सोना और 9 किलोग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। इस मामले में एक महिला आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लोगों ने अपने झांसे में लेने के लिए आरोपी ने महावीर नगर में ज्वेलरी दुकान भी खोल रखी थी। वहीं इस गिरोह के मास्टरमाइंड अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 42 लाख रुपए के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। मामला रायपुर का है। भारतीय शिव अग्रवाल, उन्होंने थाना न्यू राजेंद्र नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पहचान वहीं के एक राज ज्वेलर्स के संचालक से हुई थी, जिसका मालिक अनिल वर्मा था। उसने उसको झांसा दिया था कि वो कम कीमत पर सोना उसको उपलब्ध कराएगा, यदि वो उसके व्यापार में इन्वेस्ट करता है तो कम कीमत पर सोना लाकर उसे प्रोवाइड करेगा, जिससे उसके झांसे में आकर उसने लगभग 10 लाख रुपये उसको दिए थे। इसी तरह अन्य 9 प्रार्थी भी थे जिन्होंने अपनी राशि कुछ राशि इसको सोने के नाम पर दी थी। लगभग 1 करोड़ रुपये की ठगी इसने उस क्षेत्र में किया था। इस पर उसके बाद वो दुकान बंद करके फरार हो गया था। जब लोगों को पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने थाना न्यू राजेंद्र नगर में जाकर इसका रिपोर्ट दर्ज कराया था और उसमें 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी की जा चुकी है।